पेशकश है KGM रिकॉर्डिंग सेंटर बरेली। कॉन्टैक्ट नंबर है 9837058861। चांद तारों की तरह मेरा मुकद्दर होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। अगर यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे और लौ मदीने की तरफ लगी होगी, सरकारे दो आलम की तरफ लगी होगी और दुनिया को भूल जाएंगे आप, सरकार की मोहब्बत दिल में बसा के समाज पढ़ेंगे तो मेरा ईमान है, इंशाल्लाह यकीन है मुझे कि आप बहुत अच्छे अंदाज से सुनेंगे सरकार की मोहब्बत में सुनेंगे। अल्लाह फरमाए, चांद तारों की तरह मेरा मुकद्दर होता। चांद तारों की तरह मेरा मुकद्दर होता। चांद तारों की तरह मेरा मुकद्दर होता। काश मैं भी दर सरकार का पत्थर होता। काश मैं भी दर सरकार का पत्थर होता। सुभान अल्लाह के लिए मना नहीं कर रहा हूं, सुभान अल्लाह, इसलिए ये भी सुन लीजिए, सुभान अल्लाह आप ज्यादा बोला कीजिए, दिल से बोला कीजिए, नेकियां कम हैं, इजाफा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, अरबाबे मेंबर जो भी आते हैं माइक पर वो यही कहते हैं सुभान अल्लाह बोलिए, उनका अपना ज़ाती फायदा नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी मदद मिलती है, सुभान अल्लाह से मदद मिलना ही चाहिए सुभान अल्लाह। तो आप लोग सुभान अल्लाह में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आमाल अच्छे नहीं है, इसलिए नेकियां बढ़ाइए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते रहिए। काश मैं भी दर सरकार का पत्थर होता। रोज करता मैं मदीने की बहारों का तवा। रोज करता मदीने की बहारों का तवा। शहर तैबा का अगर मैं भी कबूतर होता। शहर तैबा का अगर मैं भी कबूतर होता। शहर तैबा का अगर मैं भी कबूतर होता। सुभान अल्लाह, एक शेर और सुन लीजिएगा, जो उठ के जाएगा मैं समझूंगा कि वो अभी तक उसी मामले में फंसा हुआ है, जो तमाम पता नहीं चलता उन्हें आपके शुरू से आखिर तक क्या हुआ, अगर उठ के जाएगा और जो मोहब्बत से बैठे रहेंगे समझूंगा कि इन्हें इंशाअल्लाह ताला सही सुनने का सलीका आने वाला है। काश मैं भी दर सरकार का पत्थर होता। उनकी नालें मुकद्दस से लिपट जाता मैं। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी औकात नहीं थी। और एक सच्ची बात ये कहने जा रहा हूँ कि अब से लगभग 3 महीने पहले से 17-18 साल की जिंदगी गुजरी, उसमें कभी मैंने इश्क़ रसूल में डूब करके कलाम नहीं लिखा, कभी किसी का और कभी किसी का, ये सच है। मगर हुज़ूर की अताएं जब से हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा हो गया,
अल्लाह नियत जानता है, अल्लाह दिल के रास्ते वाकिफ है, शायद कादिर है, मगर सच यह है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा की है ना, तब से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर की इनायतें इतनी हो रही हैं कि दिन भर में कितने शेर हो जाते हैं, कितने कलाम हो जाते हैं, बस वो अता हुजूर की पेश कर रहा हूँ। मुरादा फरमाए हुजूर की अताओं पे मशाल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, काश मैं भी दर सरकार का पथ होता, उनकी नालेने मुकद्दस से लिपट जाता मैं, उनकी नालेने मुकद्दस से लिपट जाता मैं, राह तैबा अगर मैं कोई कंकर होता, राह तैबा का अगर मैं कोई कंकर होता। जी बहुत बढ़िया भैया, पढ़ूं जी, सच बताइए, बिल्कुल मुझे खुश करने के लिए नहीं, बिल्कुल सच बताइए कि शेर अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, पेश कर रहा हूँ मुरादा फरमाए। पतर होता जिस पे आराम किया करते थे मेरे आका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस पे आराम किया का वो बिस्तर होता, काश मैं टूटी चटाई का वो बिस्तर होता। दोबारा हुक्म हो रहा है, और जी हाफिज साहब के 3 तारीख को जलसा है, कोई लालच नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, समझिएगा, वो सच ये है कि जलसा ज़िक्र मुस्तफा का ऐलान कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और भी खुतबाए हैं, सुंदर शोराए इकराम तशरीफ ला रहे हैं, और ये गुनाहगार खादसार भी इस प्रोग्राम में शरीक रहेगा 3 तारीख को हाफिज साहब के यहाँ, आप जलसे में शरीक रहें इंशाअल्लाह ताला। पेश कर रहा हूँ तवज्जो का तलबगार, जो अब मैं समझ लूंगा उस दिन पता लगेगा कि आप वाकई ऐसा ही सुनना चाहते हैं या तब्दीली है, अगर ज्यादा लोग आएंगे तो समझूंगा कि हाँ मोहब्बतों से समाप्त कर रहे हैं। पेश कर रहा हूँ मुरादा फरमाए। दोबारा कहा गया है शेर के लिए, पेश कर दूं, कर दो, अपने आका को याद करें, दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह, पथ होता जिस पे आरा चटाई का वो बिस्तर होता, काश मैं टूटी चटाई का वो बिस्तर होता। एक शेर और जी, इरशाद मचलेंगे जी, दुआओं के साथ पेश कर रहा हूँ। कुछ दिनों सरवर कौनैन भी मेहमान होते, कुछ दिनों सरवर कौनैन भी मेहमान होते, काश के हजरत अय्यूब का मैं घर होता, काश के हजरत अय्यूब का मैं घर होता। जी काश, देख देख काश, और सिर्फ ये समझिए कि मैं
मैं अपने लिए कह रहा हूँ बल्कि आपको भी सरकार से मोहब्बत है तो आप भी यही समझे कि हम भी सरकार से ही इल्तिजा कर रहे हैं। मुलादा फरमाए पत्थर होता सामने बैठ के सरकार के पढ़ता नाते सामने किस कदर खूब उस्मान वो मंजर होता किस कदर खूब उस्मान वो मंजर होता। कमेटी वालों